हेलो एवरीवन, पूजा हियर फ्रॉम ईसी वास्तु। एंड आज का ये वीडियो है रिगार्डिंग करियर रीडिंग, कैसा रहेगा आपका यू नो फाइनेंसेस, करियर, एजुकेशन या यू नो जो भी आपके लाइफ में मनी को कमाने के जो भी गोल्स हैं, क्या आप उन्हें अचीव कर पाएंगे, बिजनेस हो करियर हो, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके लिए टैरो कार्ड्स फॉर दिस अगस्त मंथ। यू नो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। उसी के साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम और एल्स ऑन फेसबुक। साथ ही साथ मैं ब्लॉग्स भी लिख रही हूँ, सो अगर आप न्यू टैरो के बारे में या क्रिस्टल्स के बारे में, एंजल नंबर्स के बारे में ब्लॉग्स पढ़ना चाहते हैं सो मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल है, वहाँ से जाकर आप ज़रूर यू नो रीड कर सकते हैं आर्टिकल्स। सो यस, अब चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं वन बाय वन फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडियक साइन क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो सजिटेरियस, तो नो यहाँ पर जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है ये है द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है, जो इंडिकेट कर रहा था आपकी लाइफ में नो न्यू आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है। बट इट सीम्स लाइक ये थोड़ी सी आपको नो देखने में चैलेंजिंग लग सकती है या थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। अगस्त मंथ में सैजिटेरियस अगर आप कोई एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं, कोई भी न्यू पेपर वर्क करने जा रहे हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से एक बार रीड कीजिएगा फिर ही उस पर आगे बढ़िएगा, ये सजेस्टेड है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कहूँगी नो ऑनेस्टली सजेस्टेड मुझे अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, बट इनिशियल लेवल पे उस पर माइनर प्रॉब्लम्स या डिलेज या कुछ ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं, बट नथिंग टू वरी, वो सिर्फ टेम्पररी होगा एंड आप उसको भी पार कर लोगे एंड वो चीज़ें हो जाएंगी। थोड़ी सी चैलेंजिंग होती हुई दिख रही हैं बिगिनिंग में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये चीज़ें आपके लिए नो आगे बहुत बेनिफिशियल भी मानी जाएंगी। सजेशन ये भी है कि अगस्त मंथ में जो भी आप डिसीजन लोगे रिगार्डिंग टूवर्ड्स योर वर्क या जो भी चीज़ें होंगी, उसमें आप लॉजिकल रहें, प्रैक्टिकल रहकर ही डिसीजन लें तो आपके लिए अच्छा और बेनिफिशियल माना जाएगा। बाकी उसके अलावा अगर आप कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, स्टूडेंट हैं, सो डेफिनेटली यहाँ इस मंथ में आपकी तरफ से एफर्ट एंड हार्डवर्क ज़्यादा लगेगा, फोकस लगेगा, तो ज़रूर अपनी तरफ से पूरा हार्डवर्क दीजिएगा। एंड आगे अगर मैं देखती हूँ तो आपके लिए अच्छा कार्ड आया है यू नो सजिटेरियस, इट टॉक्स अबाउट यू नो द विशेस फुलफिलमेंट के कार्ड आ गए आपके लिए। एंड यू नो मैं वेट ही करी थी कि किस जोडियक साइन के लिए कार्ड आएगा, एंड सजिटेरियस दिस इज़ फॉर यू। ये कार्ड बताता है दैट यू नो कहीं ना कहीं इन दिस मंथ में आपकी कोई खास ड्रीम पूरी हो सकती है, आपकी कोई ऐसी विशेस जो रियलिटी में कन्वर्ट हो सकती हैं, कोई ना कोई चीज़ का जो आप इंतज़ार कर रहे थे वो ये मंथ में उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। चाहे उन्हें उसमें थोड़ी सी प्रोग्रेस हो बट ज़रूर उसमें एक इम्प्रूवमेंट, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, जिससे आपको लगा कि हाँ मैं इतने टाइम से इस चीज़ का वेट कर रहा था, फाइनली इस मंथ में मुझे वो एक्सपीरियंस हुआ है। एंड कोई ना कोई गुड न्यूज़, ऐसी खुशी आपको यू नो एक्सपीरियंस हो सकती है इस मंथ में रिलेटेड टूवर्ड्स योर कोई एग्ज़ाम के रिजल्ट हो गए, आपका कोई करियर हो गया, जॉब हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ आपके काम रिलेटेड जो आपको खुशी और पॉजिटिविटी देगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मान लो इतनी सारी बड़ी चीज़ें नहीं भी हो रही हैं, बट इन जनरल भी आप इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और स्टेबल फील करोगे, बिकॉज नाइन ऑफ कप्स का कार्ड इंडिकेट करता है कि नो मैं जहाँ पर भी हूँ, जैसा भी हूँ, संतुष्ट हूँ, कहीं ना कहीं ऐसी वाइब एंड मूड आपका बन जाएगा आफ्टर मिड ऑफ अगस्त के बाद में। सो ये एक पॉजिटिव साइन ही है ग्रोथ का, सक्सेस का, हैप्पीनेस का ये कार्ड माना जाएगा जो आपके लिए आया सजिटेरियस। सो बहुत ज़्यादा यू नो मैं कहूँगी पॉजिटिविटी इस कार्ड की वजह से बहुत बढ़ गई है आपकी रीडिंग की। एंड अगर मैं आगे भी देख लेती हूँ, सो नो जैसे कि मैं यहाँ पे कह रही थी कि आपकी तरफ से हार्डवर्क ज़्यादा लगेगा, वहीं यहाँ पे भी आपके लिए एंजल गाइडेंस कार्ड आ गए हैं जो कह रहे दैट यू नो डू द वर्क। सो यहाँ पे एंजल्स एंड डिवाइन गाइडेंस कार्ड आपको सीधा सीधा कह रहे हैं कि आप अपनी मेहनत करो, इट्स नॉट इनफ टू ड्रीम और प्रे। सीधा सीधा लिखा है कि सिर्फ हम इंसान होने के नाते सिर्फ हमें ड्रीम देखना और प्रे करना इनफ नहीं होता है, हमें भी अपनी तरफ से खूब मेहनत करनी पड़ती है सजिटेरियस। एंड सब जानते हैं कि सजिटेरियस एक ऐसा ज़ोडियक साइन है जो बहुत हार्ड वर्किंग होता है, बहुत एम्बिशियस होता है, बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है। एक बार जो गोल अपनी ज़िंदगी में साध लेता है उसको ज़रूर पाकर आगे बढ़ता है। सो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी जो आपके एम्बिशंस हैं, जो आपके बिग ड्रीम्स हैं, उस पर आप काम करते रहें, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि अगस्त मंथ मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए हेक्टिक होता हुआ दिख रहा है, आप बहुत काम करोगे, आगे बढ़ोगे, पॉजिटिव एक्शंस लेंगे अपने काम के लिए। सो डेफिनेटली वो कंसिस्टेंटली एक रूटीन में एक प्रायोरिटाइज करके अपने काम को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि आपकी मेहनत ही आगे आपकी रंग लाएगी। सो नो सिर्फ जो भी आप ड्रीम्स देख रहे हो उसमें कैसे आप एग्जीक्यूट करके काम कर सकते हो,
इस पे ज़्यादा फोकस करें, ड्रीम्स को एक्शन स्टेप्स में लेकर आओ तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा सैजिटेरियस इन दिस मंथ। रेस्ट अपार्ट फ्रॉम दैट कार्ड्स के कॉम्बिनेशन आपके लिए काफ़ी सूटेबल हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे आए हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम, कोई डिलेज चल भी रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा स्टार्टिंग में करना भी पड़े तो कोई बात नहीं, उस सिचुएशन को, उस अपॉर्चुनिटी को मैं कहूँगी आप येस ही कहें, बिकॉज आगे जाकर वो अच्छी होती हुई दिख रही है। साथ ही साथ ये मंथ आपके लिए सैजिटेरियस काफ़ी हेक्टिक और हार्ड वर्किंग होता हुआ दिख रहा है इन अ पॉजिटिव वे। कहते ना कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हमें बड़ा मज़ा आता है, हम एक्साइटेड होते हैं, दिन रात भी एक कर लें तभी भी हमें उस मेहनत करने में मज़ा आएगा, तो वैसी मेहनत और हार्ड वर्क मुझे आपके यहाँ से होती हुई दिख रही है सैजिटेरियस। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। आई होप सैजिटेरियस आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच। हेलो कैप्रिकॉर्न्स, सुनो आपके लिए करियर को लेकर जो सबसे पहला कार्ड आया है ये है द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं, जो काफ़ी पावरफुल कार्ड हैं। ये कार्ड बताता है दैट यू नो कैप्रिकॉर्न्स आपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल की है एंड अगस्त मंथ आपके लिए नो कहीं ना कहीं ऑफकोर्स हार्डवर्क लाता हुआ दिख रहा है, बट पॉजिटिव हार्डवर्क लाता हुआ दिख रहा है। ये मंथ आपके लिए हेक्टिक हो सकता है, बड़ी मेहनत करोगे, हार्डवर्क करोगे एंड ऑलरेडी दिख रहा है दैट आप यू नो पास्ट में डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आगे बढ़े हैं। एंड ये मंथ आपके लिए कह रहा है कि दैट यू नो ये मंथ में भी आपने अपने करियर पर फोकस रखना है एंड अपनी एनर्जीज़ को सेंटर्ड रखना है, दैट नो मैटर वॉट आपको पता है कि आपके पास क्या काबिलियत है एंड आपने वो स्टेबिलिटी बनाए रखनी है। ये मंथ में कैप्रिकॉर्न्स का वर्क रूटीन थोड़ी सी ऐसी रह सकती है कि ठीक है हम यू नो अपने पैसे कमाने के लिए काम करें, मे बी उन्हें वो वाली फीलिंग ना है कि नो दैट हम बहुत दिल से काम करें, बट उन्हें पता है कि वो उन्हें ये काम करना है एंड ये काम कर कर उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करना है। तो थोड़ा सा ये मंथ आपके लिए सीरियस हो सकता है या बहुत मैं कहूँगी फोकस्ड हो सकता है, आपके ऊपर बड़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं एंड आपको वो ड्यूटीज़ निभानी है। तो ऑफकोर्स जब भी इंसान है ना एज से जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, तो उसको सारी चीज़ें निभानी पड़ती है। सो नो कहीं ना कहीं आपका बैक टू बैक रूटीन वर्क होता हुआ दिखता है, बट अदरवाइज़ मैं कहूँगी अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इस अभी तक आपकी लाइफ में तो अगस्त मंथ डेफिनेटली आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ या हेक्टिक स्केड्यूल हो सकते हैं, बट एनी विच वेज ये लाइफ में आपके कहीं ना कहीं से यू नो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाता हुआ दिख रहा है, आप वो मेहनत हार्डवर्क करोगे बिकॉज यू नो द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड इंडिकेट करते हैं भाई जैसे भी हो हार्डवर्क करके हो लेकिन आपको वो पोजिशन ज़रूर मिल जाएगी। इट्स ए येस कार्ड इन अ वे। आगे अगर मैं बात कर लेती हूँ, अगस्त मंथ में पॉलिटिक्स से बिल्कुल बच के रहिएगा, कोई मतलब नहीं है कोई भी फालतू पंगों में पड़ के, बिकॉज कैप्रिकॉर्न्स ये मंथ में हो सकता है दैट यू नो कि आपकी सक्सेस के आगे यू नो पॉलिटिक्स आ जाए, लोगों की यू नो आ जाए कि भैया नहीं इनको नहीं ऐसे नहीं तो वैसे नहीं करके आपके काम अटक सकते। सो इट्स बेटर कि जितना हो सके आप अपने सीधे रास्ते चले, कोई भी अलग रास्ता लेने की कोशिश ना करें कि ना अगर मेरा काम ऐसे नहीं हो रहा तो मैं टेढ़े रास्ते से निकल लूँ, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल नहीं माना जाएगा। देर से वो चलेगा बट आप सीधे रास्ते ही चलते रहेगा कैप्रिकॉर्न, से आपके लिए सजेस्टेड है बिकॉज ये कार्ड इंडिकेट करते दैट यू नो इफ़ यू थिंक कि आप कुछ यू नो टेढ़े रास्ते से अपना काम निकालने की कोशिश करेंगे तो शायद यू नो आपके लिए ज़्यादा लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल ना रहे। सो जितना ग्रेजुअल होगा, स्लो होगा, ऊपर वाले पे भरोसा रख के, अपनी मेहनत पे भरोसा रख के आप आगे बढ़ें, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। बट अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो, जितना हो सके आप इग्नोर करें, सो आपके लिए अच्छा होगा। आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड आपके लिए आया कैप्रिकॉर्न्स, यहाँ पे कहा है यू नो अट्रैक्टिंग नॉट चेजिंग। ये बड़ा ही डीप मीनिंग है, आई डोंट नो मैं इसको इतने शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर पाऊंगी या नहीं, बट मैं चलो जल्दी से क्विकली आपको एग्जांपल दे देती हूँ। कैप्रिकॉर्न्स यहाँ पर डिवाइन कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आप लाइफ में जो भी चाहते हो उसको आप पॉजिटिविटी से प्रे कर कर मेहनत से इन्वाइट करो, प्रे करो, नो प्रॉब्लम। ये हो गया अट्रैक्ट करना, ये हो गया दिल से प्रार्थना करनी और विश्वास रखना कि भाई ठीक है हमें मिल जाएगा, ना भी मिला तो भी ठीक है, मिल जाए तो भी अच्छा, बट हम पूरी मेहनत करेंगे भाई आगे ऊपर वाले की मर्जी। ये एक चीज़ होगी और दूसरी चीज़ होगी डेस्परेशन, लाइक यू नो हमें चाहिए ही चाहिए, नहीं मिला तो हम यू नो ये कर जाएंगे, पता नहीं क्या होगा अब हमारा लाइफ में आगे क्या होगा। सो ये हो गया चेजिंग, हो गया कि आप बहुत डेस्परेट हो गए उस चीज़ के लिए। अगर वो चीज़ आपको नहीं मिली तो वो कह, यहाँ पर डिवाइन कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि जब आप किसी चीज़ के नो बहुत पीछे पड़ते हो तो वो चीज़ आपसे और दूर दूर चली जाती है। सो इट्स बेटर कि आप ये विश्वास रखें कि आपके लिए जो ज़रूरत चीज़ है वो आपके पास ज़रूर आएगी, जो आपकी ज़रूरतें हैं ज़रूर पूरी होगी, ऊपर वाले पे विश्वास रखें एंड बस आप मेहनत करते जो आपको सही टाइम पे सही चीज़ें ज़रूर मिलेगी कैप्रिकॉर्न। सो ये डिफरेंस आप याद रखिएगा इस मंथ में, बहुत ज़्यादा आप डेस्परेट ना हो कोई भी एक चीज़ को लेकर। जब भी आप को लग रहा है आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट एंड रेस्टलेस हो रहे हो कोई चीज़ को लेकर,
अपने आप को याद दिलाएं कि आप पूरी कोशिश करेंगे अच्छे से, एंड अगर ऊपर वाले ने वो कबूल किया आपको दिया सब बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो वो ऊपर वाला आपसे भी अच्छा आपको देगा, आपकी सोच से भी अच्छा आपको देगा। तो ये विश्वास अपने मन में आप बनाए रखिएगा, ये आपके लिए कैप्रिकॉर्न सजेशन है फॉर दिस मंथ के लिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑनेस्टली मैं कहूँ सो ये मंथ मुझे आपके लिए, आप अपनी मेहनत भी करोगे, आगे भी बढ़ोगे, एंड आई थिंक वो मुझे वाइब दिख रही है कि नो कि आप अपनी सीरियस रहकर अपनी रूटीन पूरी करेंगे। बस ना मेरे को ये रीडिंग बहुत ओवर दी अबव पॉजिटिव लग रही है, ना नो बहुत नेगेटिव लग रही है। न्यूट्रल रीडिंग्स हैं, स्टेबल रीडिंग्स हैं, एंड एक गाइडेंस के रूप में भी दे रही है। तो मैं कहूँगी जो जैसा चल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे ही चलेगा। अगर आपको यू नो जॉब या बिजनेस ग्रोथ सक्सेस के देख रहे हो तो बहुत ही ह्यूज ग्रोथ मुझे नहीं दिख रही, बट येस एक स्टेबिलिटी, ठहराव, इम्प्रूवमेंट, प्रोग्रेसिव रीडिंग ही आई है आपके लिए, ये मैं कहना चाहूँगी आपको कैप्रिकॉर्न्स फॉर दिस मंथ। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस, सुनो यहाँ पे आपके लिए जो सबसे पहला कार्ड आया है फॉर अगस्त की करियर एनर्जीज कैसी दिख रही हैं, दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं जो आपके लिए नो न्यू अपॉर्चुनिटीज़, गुड लक एंड हैप्पी सिचुएशंस लाता हुआ दिखा रहा है इन द अगस्त मंथ में। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं एक्वेरियस। यू नो ये दिखाता है कि मे बी आप कोई अपनी लाइफ में मे बी कोई हाउस परचेज करना चाहते हो, कोई नई चीज़ ट्राई करना चाहते हैं, कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, न्यू जॉब के लिए देख रहे हैं। नो मैटर व्हाट इट इज़, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके लिए डिवाइन हेल्प आएगी, आपके रास्ते खुलेंगे अगस्त मंथ में, एंड वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके लाइफ में होती हुई दिख रही है। सो ये बहुत ही शुभ कार्ड माना जाता है, वन नंबर का कार्ड है, विच मीन्स न्यू बिगिनिंग, न्यू एनर्जीज, न्यू वाइब, न्यू पॉजिटिविटी। एंड यू नो इफ मे बी अगर आप करंट जॉब में भी हैं, करंट बिजनेस में भी हैं, तो उसमें भी आपकी रूटीन अच्छे से बीतेगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, एंड आप काफ़ी पॉजिटिव एंड हैप्पी फील करेंगे। आगे जो आपके लिए कार्ड्स कहीं ना कहीं दिख रहे हैं ना मिड अगस्त के आसपास में, मैं कहूँगी कुछ एक्वेरियस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दैट मे बी अगर वो अपना जॉब चेंज करना चाहते थे तो अगस्त के मिड के आसपास में उनके वो जॉब चेंज होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कुछ एंडिंग्स होकर कुछ न्यू बिगिनिंग्स उनकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। मे बी वो अपनी सिटी चेंज करना चाहते हैं, अगर कंट्री चेंज करना चाहते हैं, सो मिड अगस्त में शिफ्ट होता हुआ आपकी लाइफ में दिख रहा है। सो बिग चेंजेस मैं कहूँगी न्यू बिगिनिंग्स वाले, कहीं ना कहीं कुछ एंड होकर कुछ नया स्टार्ट हो, वो मिड अगस्त के आसपास में होता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में। सो डोंट वरी अगर कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आते भी हैं अगस्त मंथ में एक्वेरियस, तो वो अच्छे के लिए होंगे, और उसके बाद में आपको डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग एक्सपीरियंस करने ज़रूर मिलेगी, जैसे कि आपके एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आगे अगर मैं बात कर लेती हूँ, यहाँ पे जो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस कार्ड आए एक्वेरियस, दिस टॉक्स अबाउट यू नो रिलीज जेलेसी। नाउ ये कार्ड का मैंने एक्चुअली ये माना जाता था, यू नो मेनी टाइम्स हमारी लाइफ में जब हमें लग रहा होता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है, दूसरों को सब कुछ मिलता जा रहा है, हमें कब अपनी लाइफ में मिलेगा, तो एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो दूसरों से कई बार यू नो जेलस हो जाता है। जेलस नहीं तो यू नो एक उसको लगता है कि भाई उसको मिल गया, मुझे कब मिलेगा। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। फिर हम उसमें से पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि नहीं उसको मिला है तो हमें भी मिलेगा, वो हमें ज्ञान से, नॉलेज से, वो हम प्रैक्टिस कर करके उसको यू नो अपने नेचर में इनबिल्ट कर पाते हैं। बट कहीं ना कहीं मैं कहूँगी यू नो इस मंथ में एक्वेरियस, अगर आपको कभी भी लगे कि नो आपके मन में ऐसे भाव आ रहे हैं कि आप दूसरों से जेलस हो रहे हो, आपको लग रहा है कि आपको कब सक्सेस मिलेगी, तो मैं कहूँगी एक्वेरियस हैव पेशेंस, आपका भी टाइम डेफिनेटली आएगा। बट थ्रू दिस टाइम एंड जर्नी अगर आपके यू नो कलीग्स में, ऑफिस में एंड फैमिली मेम्बर्स में आपको बार बार लोग पूछ रहे हैं कि नो ये कब होगा, वो कब होगा, हम दूसरों को देखकर परेशान हो रहे हो कि भाई सबकी लाइफ सेट है, मेरा कब होगा, तो इस तरीके से अगर आप परेशान हो रहे हैं एक्वेरियस, तो बिल्कुल भी ना हो। यहाँ पे वही एंजल्स एंड डिवाइन गाइडेंस कार्ड आपको गया, दैट यू नो आप अपने ऊपर विश्वास एंड भरोसा रखें यूनिवर्स पे, दैट यू नो अगर दूसरों की ज़िंदगी में सक्सेस आ रही है तो आपकी ज़िंदगी में भी ज़रूर आएगी, ये भरोसा और विश्वास बनाए रखें। एंड दूसरों के लिए भी आप ग्रैटिट्यूड एंड पॉजिटिविटी रखें, एंड उनके लिए भी अच्छी दुआएं मांगे और अपने लिए भी अच्छी दुआएं मांगे, तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। ये एंजल्स एंड डिवाइन गाइडेंस कार्ड आपको कह रहे हैं फॉर दिस मंथ के लिए आपके लिए। बट रेस्ट ऑल ओवर जो सबसे अच्छा पॉजिटिव कार्ड आपके लिए आया है, दैट इज़ द एस ऑफ कप्स के कार्ड है, जो आपकी लाइफ में एक यू नो अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रैवल के भी योग बनते हुए दिख रहे हैं। कोई शॉर्ट ट्रैवल भी आपका अगस्त मंथ में हो सकता है, रेस्ट डिपेंड्स कितने एक्वेरियस को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, बट डेफिनेटली ट्रैवल के भी योग मुझे बनते हुए दिख रहे हैं इस मंथ में। ऑल ओवर एनर्जीज यू नो एक और चीज़ है, यू नो अगर आपको लगता है कि आपने कोई डिसीजन ऐसे लिए हैं जहाँ पर आपको गिल्ट हो कि भैया पता नहीं मैंने सही किया कि नहीं किया, मुझे क्या करना चाहिए, कोई भी आपको टेंशन अगर लग रही है,
सो यहाँ पे सीधे सीधा कार्ड्स कह रहे हैं दैट यू नो पास्ट इज़ ओवर, पास्ट को लेट गो कर दो, रिलीज कर दो, न्यू जर्नी न्यू बिगनिंग पे फोकस करो एंड आगे बढ़ो, चाहे वो आपका इमोशनल स्ट्रेस हो, काम का स्ट्रेस हो, जो मर्जी हो, जस्ट रिलीज एंड लेट गो एंड यू नो ये आपके लिए एनर्जीज हैं। सो दिस इज़ वॉट आई सी फॉर यू नो, आपको ग्रैटिट्यूड करने के लिए कहा जा रहा है कि जो जैसा है उसके लिए आप ग्रेटफुल भी रहें, ये आपके लिए एनर्जीज हैं। सो आई होप एक्वेरियस आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच। हेलो पाइसेस, जिनो आपके लिए जो सबसे पहला कार्ड आया है बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, थ्री ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये कार्ड है सेलिब्रेशन का, प्रमोशन का, सक्सेस का, गुड न्यूज़ का, समथिंग न्यू इन योर लाइफ। सो यू नो मैं कहूँगी अगर आप कुछ लाइफ में अगस्त मंथ में बहुत चांसेस है कि आप कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो, अगस्त मंथ में अच्छी पॉजिटिविटी आपके लिए दिख रही है। साथ ही साथ मैं कहूँगी इस मंथ में पॉसिबल है कि यू नो आप अपने कोई ओल्ड फ्रेंड्स को मिल सकते हो, या मैं कहूँगी कोई किसी की बर्थडे पार्टी, कोई सेलिब्रेशन, कोई मैरिज, कोई इवेंट भी हो सकता है इस मंथ में, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट कहीं ना कहीं कोई अच्छी खुशखबर खबरी आने की वजह से आपकी लाइफ में आप वो एक हैप्पीनेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मे बी आपकी लाइफ में, आपके कोई लव्ड वंस की लाइफ में। बट आई सी गुड टाइम्स, आपके कोई पार्टनर आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, ऑल ओवर ना मुझे एक अच्छा कनेक्शन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। कुछ पाइसेस के लिए भी पॉसिबल है कि जो कंपनी में या जो उनके पुराने कंपनी में काम करते थे वहाँ से भी उनको ऑफ़र आ सकता है, या जो उनकी ड्रीम कंपनी थी जहाँ वो जॉब चाहते थे उन्हें वहाँ मिल सकता है, या उनके बिजनेस में ग्रोथ आ सकती है। ऑल ओवर ये कार्ड ही है भाई, यू नो पार्टी होने का कार्ड है। अब पता नहीं पाइसेस ऐसा क्या आपकी लाइफ में होगा, इस मंथ में होगा, जिससे आपको एक पार्टी करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दुआ तो यही है कि सारे पाइसेस जल्द से जल्दी एक्सपीरियंस करें। आगे भी यू नो आपके लिए सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड है, दोनों ही कार्ड कप्स के कार्ड हैं, इमोशंस के कार्ड हैं। सो इन दिस मंथ ऑफ अगस्त यू नो पाइसेस आपकी एनर्जीज तो बिल्कुल भी यू नो ऐसी रहेंगी, स्टेबल रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, आपको लव्ड वंस का सपोर्ट भी होगा, फैमिली भी सपोर्ट करेगी, फ्रेंड्स एंड स्पाउस एंड जो भी आपकी लाइफ में करीबी हैं आपके वो ज़रूर आपकी सपोर्ट करेंगे, सहारा बनेंगे। कहीं ना कहीं से आपको नो एक नेचुरली फीलिंग रहेगी कि नो जो है जैसा है ठीक है, काम को लेके बहुत मेरे को स्ट्रेस क्रिएट होता हुआ नहीं दिखता है, आई सी स्टेबिलिटी, नॉर्मल रूटीन चलता हुआ अच्छा दिख रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो वो भी मुझे ठीक होती हुई दिख रही है अगस्त में, बिकॉज यू नो थ्री ऑफ कप्स के कार्ड है जो अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करता है। सो मुझे आपके काम में भी, ऑफिस एनवायरनमेंट में आपके अच्छे दोस्त आपकी सपोर्ट भी करेंगे काम में भी। सो ऑल ओवर एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छी एनर्जीज मुझे आपके लिए दिख रही हैं इन दी अगस्त मंथ में। आगे अगर मैं बात करूँ तो बिफोर दैट एक और मुझे पॉइंट ऐड करना था, अगर आपकी नो लाइफ में कोई आपके पुराने दोस्त आपको कांटेक्ट करे फॉर एनी हेल्प, या आपको लगता है कि मैं अपने पुराने दोस्तों को कांटेक्ट करूँ तो मेरा काम कोई इजी हो सकता है, मुझे जॉब मिल सकती है, मेरे बिजनेस में हेल्प हो जाएगी, तो डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा कनेक्ट विद योर ओल्ड फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे एंड आपके लिए वो करियर में अच्छा माना जाएगा। अगर ऐसी कोई नीड या रिक्वायरमेंट है तो आप कर सकते हैं, या आपके लिए एक सजेशन है बाय टैरो का, तो आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। एंड आगे आपके लिए जो डिवाइन गाइडेंस कार्ड आए हैं वो है नो कि आपने क्लीन एनर्जी फूड खाना है अगस्त मंथ में, आप अपनी डाइट अच्छी रखिएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिएगा इन अ पॉजिटिव वे, बिकॉज जितनी अच्छी आप डाइट खाएंगे, सो यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे हैं ऑटोमेटिकली आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है एंड आपके काम उतना अच्छे से इफेक्टिव वे से आप कर पाते हो। सो एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड, नेचर, हमारा फूड, हमारा लाइफस्टाइल हमारे काम को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देता है। सो इसलिए आप अपने हेल्थ, डाइट, वे ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना है अगस्त मंथ में, ताकि आप अपने काम पे वो अच्छे रिजल्ट्स दिखा सके। सो आपके लिए बेनिफिशियल माना जाएगा इन दी अगस्त मंथ। सो कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छा सजेशन भी है इन दी अगस्त मंथ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम दोनों ही कार्ड्स को देखें, सो दोनों ही कार्ड्स में एक यू नो सपोर्ट आती हुई ज़रूर दिख रही है बाय डिवाइन कार्ड्स इन टैरो कार्ड्स के हिसाब से। यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट है, सपोर्ट है। यहाँ पे देखिए आप मेरे दोनों डांस कर रहे हैं एंड यहाँ पे दो लोग एक दूसरे को मिल रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं बट ये लोग सपोर्ट दे रहे हैं, कनेक्ट। दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्योरिटी, हेल्प, सपोर्ट, कनेक्शन इन योर वर्क एनवायरनमेंट, या इन जनरल भी आप लोगों की अच्छी मदद करोगे, लोग आपकी मदद करेंगे। सो मेरे को ना एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट ही दिख रहा है आपकी वर्क लाइफ में। प्रॉब्लम्स हैं भी तो वो भी मुझे इम्प्रूव होती हुई दिख रही हैं पाइसेस आपके लिए। सो ऑल ओवर इवन इफ आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई करो, तो वो भी आपकी यू नो अच्छे से मंथ बीत जाएगा, कोई बड़ा स्ट्रेस वाली बात नहीं है। सो दिस इज़ वॉट आई सी फॉर यू नो पाइसेस, आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच।